Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. It's Hambal Ahmad here again. Well, ये हम एक कंप्लेंट रिजल्ट पर आए हैं आज. जैसे ही हम पी वी ऑन कर रहे थे तो ये F59 का एरर दे रहा था, जो ओवर वोल्टेज लिमिटेशंस का एरर है. और इसमें अब इस वक्त पी वी हमने बंद की हुई है और इस वक्त जो पी वी से वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 485 वोल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, अब हम इसकी पीवी ऑन करेंगे. ये हमने इसकी पीवी ऑन की है, ब्रेकर ऑन किया है हमने पीवी का. ये इसने सडन ड्रॉप दिया है कोई 40% का. हमारे पास सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, हुंडई मेड इन कोरिया स्टॉक लॉट. तकरीबन 40% का सडन ड्रॉप आया था हमारे पास और उसके बाद ये आए हैं 25% पे खड़ा हुआ ये लॉस पे वोल्टेज. इसके जो वी ओ सी आ रहे थे वो आ रहे थे 490 के आसपास और वी एम पी इस वक्त हैं 280. अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि वी एम पी और वी ओ सी पर में कितना डिफरेंस है. ये हमारे क्लाइंट हैं अली भाई, जिनके पास हम आए हैं 288 वोल्ट्स. और इस वक्त आपको जनरेशन दिखाते हैं, अभी जनरेशन कितनी हो रही है. इनपुट ले रहा है 290 वोल्ट्स, 1 एम्पियर जनरेट कर रहा है इस वक्त और 300 वॉट्स के करीब ये जनरेशन आ रही है पीवी से इस वक्त. कोई टाइम हुआ है 3:30 जनवरी 1 3:30 और सोलर पैनल इस पे लगे हुए हैं 12 पे, तो ओवर लिमिटेशन ज़्यादा हो रहे थे. अभी अंडर लिमिटेशन हमने करके लगाएं. अभी F59 का एरर तो चला गया है ओवर वोल्टेज पीवी का, लेकिन ये इस वक्त लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं. वीओसी और वीएमपी में गैप बहुत ज़्यादा है. इस पैनल की जो लगे हुए हैं इसके वीओसी हैं 45 × 11 पैनल सीरीज़ में लगाए हुए हैं, 495 बन रहे हैं डिवाइड बाय 100, 1% हमारे पास आ गया 4.95. 290 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं वीएमपी डिवाइड बाय 4.95. ये आ रहे हैं इस वक्त 58% वोल्टेज आ रहे हैं. वीएमपी जो है वो अराउंड 42% रिड्यूस हो रही है. वीएमपी आ रहा है हमारे पास 42% लेस आ रहे हैं. वेल, अभी इस वक्त 3:30 बजे का टाइम हो रहा है. इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास 290 के आसपास. एम्पियर आ रहे हैं, 1 एम्पियर आ रहा है हमारे पास और ये जनरेट कर रहा है तकरीबन 300 वॉट्स. अच्छा, सोलर पैनल जो हमारे लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं मैक्सिमम 10 डिग्री टिल्ट लगे हुए हैं. ये सेटअप हमने लगाया हुआ था कोई 1 साल से ऊपर हो गया सेटअप लगाया. ये इस पर कंप्लेन आई तो उस पर हमने विजिट किया हमने और इस पर जनरेशन जो हो चुकी है अभी तक ओवरऑल टोटल इसने 2.2 मेगावाट जनरेट किए हैं और 3.5 मेगावाट से लोड चलाया. मतलब इसने बिजली वापडा से ग्रिड से यूज़ की है काफ़ी सारी, अराउंड 1.3 मेगावाट इसने पूरे साल में ग्रिड से यूज़ की है वापडा से और 2.2 मेगावाट इसने जनरेट करके लोड चलाया है या बैटरी बैंक को चार्ज किया है. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.